जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13। आज हम आए हुए हैं शिवाजी स्टेडियम में, जहां चल रहा है SNBP सेकंड नेहरू वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट। दोस्तों, अगर हम इन मैच शेड्यूल्स की बात करें तो ये 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है शिवाजी स्टेडियम में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आप इस मैच को लाइव देखने आ सकते हैं। एंट्री पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। आप इस स्टेडियम में आके लाइव मैचेस देख सकते हैं। टोटल 8 टीमें यहाँ पे आ रही हैं, पूल ए एंड पूल बी में मैचेस होंगे। सेमीफाइनल होने वाला है 2 दिसंबर को और फाइनल होंगे 3 दिसंबर को। तो मैच की सारी शेड्यूल हम आपको अपने स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अपने पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए सीधा यहाँ पे आ सकते हैं और उन्हें चीयर कर सकते हैं। तो सारे मैच के शेड्यूल आपको दिए गए हैं, तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी फोटोग्राफ्स अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ जाके क्लिक करके इस पूरे टूर्नामेंट में जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो सारे आप वहाँ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है। और दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स इंडिया 13 को। SNBP सेकेंड नेहरू वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का आज है पहला दिन और ये है पहला मैच जो होने वाला है NCOE साई सोनीपत वर्सेस भिलाई 11 के बीच में। दोनों ही टीमें तैयार मैदान पे, आप देख सकते हैं येलो और ब्लैक जर्सी में है सोनीपत की टीम, वहीं ब्लू एंड वाइट जर्सी में है भिलाई 11 की टीम। तो चलिए देखते हैं आज का ये मैच और उसके कुछ हाइलाइट्स। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि आज ये जो कमेंट्री सुनेंगे बहुत ही स्पेशल है। जो आज के मैच के कमेंटेटर हैं वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस कमेंटेटर है, जो है शाहीम आलम, जिन्हें एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं आज का मैच उन्हीं की आवाज़ में। नमस्कार, नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम से मैं शमीम आलम आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि SNBP दूसरा नेहरू सीनियर वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आज का पहला मुकाबला इसमें शुरू हो गया है, सोनीपत और भिलाई 11 के बीच। पीली रंग की जर्सी में दिख रही है सोनीपत की टीम, जबकि ब्लू रंग की जर्सी में है भिलाई की। तो सोनीपत NCOE शाही सोनीपत और भिलाई 11 के बीच पहला आज का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर अपने क्षेत्र में। अच्छा पास, गेंद इस वक्त बढ़ाई गई अंतिम के पास, जो अपनी टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन गेंद बॉल से लगती हुई गई बाहर टच लाइन का। फ्री हिट मिलेगा अंतिम के पास बॉल, सोनीपत का अंतिम पीछे सरकाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर भाव्या के लिए, भाव्या ने और बैक सरकाया डायगनल पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद गई इस वक्त बाहर टच लाइन का। फ्री हिट मिलता हुआ भिलाई को, कविता इस वक्त फ्री हिट लेने की तैयारी में, लंबा हिट लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट वहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ी का। अच्छा पास, सीधा पास बढ़ा दिया है मनिका शिवाज के लिए, मनिका शिवाज के पास बॉल, बॉल को बढ़ाई कुछ सुप्रीत कौर के लिए बॉल को बढ़ाया था, लेकिन फ्री हिट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ है सोनीपत को क्षेत्र में, भिलाई के क्षेत्र में लंबा हिट, एक मौका मिलता हुआ इस वक्त बाई फ्लैंक से बॉल को लेकर आई बढ़ती हुई रीता रीति का गलहोत, सुंदर नपतुला पास डी के अंदर खेल होने के को वहाँ पर होता हुआ खेल, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ भिलाई को अपने क्षेत्र से। स्थिति 0-0 इस वक्त पहले क्वार्टर का खेल चल रहा है, अपने क्षेत्र से फ्री हिट मिलता हुआ भिलाई को। हेमा सिंह इस वक्त भिलाई की तरफ से फ्री हिट लेने की तैयारी में, सीधा पास समांतर पास बढ़ाने की कोशिश, अच्छा पास जय शुक्ला के लिए, बट फिर फ्री हिट मिलता हुआ मदरेका के पास, गेंद चली आई इस वक्त डिम्पल के पास, सोनीपत एक समांतर पास बॉल को बढ़ा दिया अंतिम के लिए, जो कप्तान है सोनीपत के, अंतिम के पास बॉल, अभी भी बॉल लेकर आगे बढ़ती नजर रही है, बॉल को बढ़ा दिया मनिका शिवाज के लिए, मनिका शिवाज ने बाई फ्लैंक में बॉल को बढ़ाया है मनीषा के लिए, हमला पनपता हुआ यहाँ पर और बेहतरीन यहाँ पर मौका निकाला था सोनीपत के खिलाड़ियों ने, लेकिन गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का। स्थिति अभी 0-0 पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है यहाँ पर से। अच्छा पास, लेकिन वहाँ पर अच्छा बॉल को छीन लिया गया है सोनीपत के खिलाड़ी के द्वारा, गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। फ्री हिट मिलता हुआ भिलाई 11 को, मोनिका इस वक्त तैयार हो रही है फ्री हिट लेने के लिए भिलाई की तरफ से, अच्छा डायगनल पास बॉल पढ़ाने की डी के अंदर पहुंचने की कोशिश, लेकिन यहां पर गलत तरीके से रोका गया, इंक्रीमेंट फ्री हिट मिलता हुआ, स्कूप किया है उसको, ऊंची उठती हुई गेंद और यहां पर
गेम, सुंदर सुनहरी धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर। खूबसूरत स्टेडियम, दिल्ली का, नई दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम। और इस ऐतिहासिक स्टेडियम में दूसरा SNBP महिला हॉकी टूर्नामेंट का आज पहला दिन, और पहले दिन का पहला मुकाबला चल रहा है इस वक्त। NCOEFSI सोनीपत और भिलाई 11 के बीच स्थिति अभी भी 0-0 है। किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली। भिलाई 11 के खिलाड़ी इस वक्त बोलने के बैठते हुए हम अपन मोनिका के लिए बॉल को बढ़ाया है। मोनिका ने बॉल सरका दिया यहाँ पर हेमा सिंह के लिए। हेमा सिंह ने उठती हुई गेंद से बॉल बढ़ाने की कोशिश की पूजा यादव के लिए, लेकिन गेंद उसे छीन गई। गेंद चली आई इस वक्त मनीषा के पास। सोनीपत के खिलाड़ी बॉल लेकर एक बढ़ते हुए, लेकिन बहुत चतुर है वहाँ पर भिलाई 11 के खिलाड़ी। पूजा यादव ने बॉल को कलेक्ट किया, समय को समझा, वक्त को समझा, वक्त की नज़ाकत को, और बॉल को कलेक्ट करके बाहर भेजा अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर रूबी के लिए, रूबी ने बाय समांतर पास बोल दिया राखी राठौर के लिए। गेंद इन्फीमेंट फ्री हिट इस वक्त मिलती हुई। पूजा यादव इस वक्त फ्री हिट लेने के लिए तैयार। गलत पास यहाँ पर, गेंद बहुत सोनीपत के खिलाड़ी के पास। अच्छा पास अंतिम, कप्तान ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया कनिका शिवाज के लिए। कनिका शिवाज ने बॉल को फिर बढ़ा दिया कनिका शिवाज के पास। शांत सीधा पास डी को पर खेल चलता हुआ, हमला पनपता हुआ यहाँ पर भिलाई 11 के बीच। अभी भी खतरा टला नहीं है। पास मनिका शिवाज ने बॉल को बढ़ाया और यहाँ पर एक मौका मिलता हुआ, गेंद गई ऊंची, उठ गई गोल बार के ऊपर से निकल गई, और जो खतरा बन सकता था फिलहाल टला। पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई इस वक्त सोनीपत की टीम। देखना इस पेनाल्टी कॉर्नर से कितना फायदा उठा पाती है। निधि इस वक्त गई है इंजेक्ट करने के लिए सोनीपत की तरफ से। निधि इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया। कनिका शिवाज के पास है बॉल इस वक्त। कनिका शिवाज डी के ऊपर घूम रही हैं और ये खतरा टला यहाँ पर से। स्थिति 0-0। स्कोरिंग का ग्राफ इस वक्त 0-0 पर लटक रहा है। कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई अभी तक। लंबा हिट और कोई इस वक्त सोनीपत के खिलाड़ी ने बेहतरीन टैकलमेंट किया है। निधि के पास बॉल बाएं तरफ से डायगनल पास। निधि ने बॉल को बढ़ा दिया है डिंपल के लिए। डिंपल बॉल लेने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट वहाँ पर। गेंद एक बार फिर छीन गई है यहाँ पर भिलाई 11 के खिलाड़ी से, और सुरक्षित पास बढ़ा दिया है निधि के लिए। और निधि ने बॉल को बढ़ा दिया है अंतिम के लिए, जो कप्तान है सोनीपत के। गेंद एक बार फिर अंतिम के पास। गेंद एक बार निधि पास, और यहाँ पहला क्वार्टर का हूटर बजता हुआ। पहले क्वार्टर का समय खत्म हुआ, और पहले क्वार्टर तक यहाँ पर स्थिति है दिल्ली, नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में, जो चल रहा है SNBP सेकंड नेहरू वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023। यहाँ पर NCOEFSI सोनीपत नील, भिलाई 11 नील। दूसरा क्वार्टर का खेल दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो रहा है। इस वक्त यहाँ पर बहुत बेहतरीन वहाँ पे बॉल चले गया कनिका शिवाज के पास। कनिका शिवाज ने पीछे से रखा दिया अपने साथी के लिए डिंपल के लिए। डिंपल ने डायगनल पास बढ़ा दिया अंतिम के लिए। अंतिम जो अपनी टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन गलत निशाना साधा, गेंद गई बाहर, और लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा इस वक्त यहाँ पर सोनीपत के लिए। डी के ऊपर खेल चलता हुआ, आक्रमण की झड़ी लगा दी है इस वक्त। दूसरा क्वार्टर में बड़ी अच्छा मनोवृत्ति के साथ खेल रही है सोनीपत की टीम। अग्रता बढ़ाने के लिए बहुत बेजोड़ कोशिश कर रही है। गेंद एक बार फिर अंतिम के पास, जो कप्तान है सोनीपत के खिलाड़ी, बढ़ रही है इस वक्त। अंतिम ने अच्छा पास बढ़ा दिया यहाँ पर सुप्रीत कौर के लिए, और यहाँ मौका मिलता हुआ, बेहतरीन मौका यहाँ पर सोनीपत के लिए। गोलकीपर एडवांस भी वहाँ पर, भिलाई 11 का अभी भी खतरा टला नहीं है। और यहाँ पर पहला गोल होता हुआ, ये पहला गोल किया इस वक्त सोनीपत के खिलाड़ी ने। बहुत खूबसूरत गोल, जैसे मैं बता रहा था बहुत देर से आक्रमण कर रही थी सोनीपत के खिलाड़ी बालिकाएं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। और इस वक्त अचूक निशाना साधा, गेंद सीधा गई गोल पोस्ट के अंदर, और सब शून्य के मुकाबले एक गोल की बढ़त बना ली है सोनीपत की टीम ने। तो कहा जाता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से सोनीपत की टीम कोशिश कर रही थी,
काबिल तारीफ लगातार आक्रमण बोल रही थी, चाहे हम दाएं फ्लैंक की बात करें या बाएं फ्लैंक की बात करें, थी बराबर आक्रमण कर रही थी। स्कूप इस वक्त कती हुई यहाँ पर भिलाई टीम गेंदचरी है सोनीपत के डिफेंडर के पास, इस वक्त यहाँ पर रितिका मान के पास स्कूप किया, ऊंची उड़ती हुई गेंद सुप्रीत कौर के लिए, सुप्रीत कौर के पास बॉल, सुप्रीत कौर ने बॉल को बढ़ा दिया है लाल रीन पुई के पास, लेकिन गेंद सिचली वहाँ पर भिलाई के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं बॉल को छीनने का। गेंद एक बार फिर सुप्रीत कौर के पास, समांतर पास, अब बाएं फ्लैंक से हमला पनाता हुआ मनीषा के पास, मनीषा ने बॉल को सरका दिया है, अच्छा पास यहाँ पर निधि के लिए, निधि के पास, निधि ने एक बार फिर बॉल को भेजा है मनीषा के लिए, मनीषा और निधि के बीच बॉल का आदान प्रदान, लाए फ्रेम में एक अच्छा मौका यहाँ पर फिर डी के ऊपर खतरा, और ये फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर खेल के अंपायर रमा पोटनिश का। मैं बता दूँ रमा पोटनिश बहुत ही वरिष्ठ अंपायर हैं, ये मुंबई पुणे से आती हैं, बहुत ही वरिष्ठ अंपायर, काफ़ी डिसीजन अच्छा इनका होता है, बहुत सटीक डिसीजन देती है। और ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ इस वक्त यहाँ पर सोनीपत को, निधि इस वक्त गई है जेट करने के लिए सोनीपत की तरफ से, निधि ने जेट किया बॉल को रोका और ये मौका बेकार हाथ से जाता रहा, लेकिन गलत पास, गेंद चली आई इस वक्त मनीषा के पास, सोनीपत मनीषा बॉल को लेकर आई, गलती बॉल को बढ़ा दिया है कनिका शिवाज के लिए, कनिका शिवाज वहाँ पर हमला बोलते हुए, और ये दूसरा गोल यहाँ कनिका शिवाज ने किया है, बहुत बेहतरीन निशाना साधा, गेंद सीधा गई गोल पोस्ट के अंदर, और इस तरह से अब सोनीपत शून्य के मुकाबले दो गोल से आगे, फ्री यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ी, बाएं मध्य रेखा के पास बॉल को बढ़ा दिया है मनीषा के लिए, मनीषा बाएं फ्लैंक में एक अच्छा पास इस वक्त रिकिता गहलोत के लिए, एक बार गेंद एक बार फिर यहाँ पर तमन्ना के पास, तमन्ना ने पास रितिका गहलोत के लिए बढ़ाया है, धीरे धीरे बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश, इस वक्त मनीषा के पास बॉल, डी के अंदर एक फिर खामला पनपता हुआ और दूर मार गई हटबड़ाहट में, अन्यथा ये तीसरा गोल होता सोनीपत की तरफ से। दूसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, स्थिति अभी भी अपने पक्ष में करके रखा है यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ियों ने, शून्य के मुकाबले दो गोल से आगे, SNBP दूसरा नेहरू महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का पहला दिन का आज पहला मुकाबला चलता हुआ नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में, यहाँ पर NCOA साई सोनीपत और भिलाई 11 के बीच, जबकि स्थिति को अपने पक्ष में करके रखा इस वक्त सोनीपत की खिलाड़ियों ने, शून्य के मुकाबले दो गोलों की बढ़त। अभी भी खुशी के पास बॉल, समांतर पास, डायगनल पास बॉल को बढ़ाया है अंतिम के लिए, जो टीम के कप्तान है सोनीपत के टीम के कप्तान के बॉल को इस वक्त बॉल को बढ़ा दिया रितिका गहलोत ने बॉल को बढ़ाया था अंतिम के लिए। डी के अंदर खेल चलता हुआ यहाँ पर एक और मौका, और यहाँ पर ये तीसरा गोल होता हुआ, और इस तरह से अब यहाँ पर भिलाई 11 की टीम को कुछ सोचना पड़ेगा, खेल के प्रारूप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आक्रमण कर रही है सोनीपत की टीम काबिले तारीफ, अब शून्य के मुकाबले तीन गोलों की बढ़त इस वक्त यहाँ पर सोनीपत के खिलाड़ियों के पास। दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है, जबकि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त आक्रमण करके रखा है और दबाव बना के रखा है सोनीपत के खिलाड़ियों ने यहाँ पर भिलाई 11। मनीषा देहवाल के पास, मनीषा देहवाल ने बॉल डी के ऊपर बढ़ाया, एक अच्छा मौका मिलता हुआ यहाँ पर, बेहतरीन मौका यहाँ पर 11 के लिए, और ये मौका हाथ से जाता रहा, शिवानी शाहू ने क्या बेहतरीन मौका वहाँ पर निकाला था, लेकिन साथ ने साथ ही खिलाड़ी को पास भी दिया था, सिर्फ डिफ्लेक्ट करना था गेंद को, लेकिन स्टिक के ऊपर गेंद नहीं आई और ये सुनहरा मौका हाथ से निकला यहाँ पर भिलाई 11 के हाथ से निकला। मनिका शिवाज के पास अच्छा पास बढ़ा दिया है लाल रिंपुई के लिए, एक मौका मिलता हुआ यहाँ पर, और फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर रमा पोटनिस का, खेल का निर्णायक का, तो एक और खतरे का बादल मंडराता हुआ यहाँ पर भिलाई 11 के ऊपर, एक और मुसीबत आती हुई यहाँ पर खतरे का संकेत, क्योंकि पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित कर लिया है सोनीपत के खिलाड़ी ने। निधि इस वक्त गई है इंजेक्ट करने के लिए सोनीपत की तरफ से, इंजेक्ट किया बॉल को रोका गया,
खतरा टला नहीं है, भिलाई लेवल के ऊपर से और ये निशाना गलत साधा उन्होंने। निधि इस वक्त गई है पैटी कॉर्नर को इंजेक्ट करने के लिए और यहाँ पर हूटर बजता हुआ आधे समय का खेल खत्म हुआ। आधे समय तक यहाँ पर NCOESI सोनीपत 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे है। मध्यांतर का समय हुआ। नमस्कार, एक बार फिर यहाँ पर मैं शमीम आलम नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम से आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पर SNVP सेकेंड नेहरू वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का आज शुरुआत हो गई है। पहला दिन का खेल मुकाबला, पहला मुकाबला हो रहा है सोनीपत और भिलाई 11 के बीच, जबकि तीसरा क्वार्टर का मुकाबला इस वक्त शुरू हो गया है। अभी तक दबदबा रहा सोनीपत का, 0 के मुकाबले 3 गोलों की बढ़त बरकरार। ये आधे समय जो बचा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भिलाई 11 के लिए। मैच में वापसी के लिए इनके खेल को फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा, खेल के प्रारूप को बदलना पड़ेगा, आक्रमण की झड़ी लगानी पड़ेगी, तभी कुछ बात बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से सोनीपत की बालिकाएं खेल रही है काबिले तारीफ। सोनीपत के खिलाड़ी को सफलता मिली है, अच्छा पास, समानता पास, बॉल को बढ़ा दिया है कनिका शिवाज के लिए। कनिका शिवाज ने बॉल को बढ़ा दिया, यहाँ पर रितिका गहलोत ने एक बार फिर कनिका शिवाज को बॉल को बढ़ाया है। कनिका शिवाज बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए डी के ऊपर प्रवेश करते हुए यहाँ पर रिवर्स फ्लेक और यहाँ पर गेंद हाथ से टकराई, ये कैरेड हुआ। और खेल के निर्णायक जो हैं यहाँ पे दीपा, उन्होंने फ्री हिट दिया भिलाई 11 को। भिलाई 11 की तरफ से एक हमला पना बता हुआ, बहुत बढ़िया पास इस वक्त रावत के लिए, स्वर्णिका रावत के लिए बॉल को बढ़ाया था, बहुत तेज हिट लगाई थी लेकिन गेंद गई बाहर। पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ इस वक्त, यहाँ तीसरा क्वार्टर में पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है सोनीपत की टीम ने। वैसे ही यहाँ पर भिलाई 11 3 गोलों से पिछड़ रही है, एक और मुसीबत आती हुई इस वक्त भिलाई 11 के ऊपर। रितिका गहलोत ने बॉल को इंजेक्ट किया, ये चौथा गोल होते हुआ क्या सटीक निशाना साधा यहाँ पे फॉरवर्ड खिलाड़ी सोनीपत, और गेंद सीधा गई गोल पोस्ट के अंदर और ये चौथा गोल होता हुआ। एक के बाद एक खूबसूरत गोल दागती हुई सोनीपत की बालिकाएं इस वक्त काबिले तारीफ। स्वतंत्र पास, कोशिश जरूर कर रही है भिलाई 11 की टीम लेकिन सफलता काफ़ी दूर। समांतर पास बढ़ाने की कोशिश की, चली है मनीषा के पास, मनीषा ने साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ाने की कोशिश की सुखप्रीत कौर के लिए, अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त यहाँ ये फ्री हिट मिलता हुआ भिलाई के क्षेत्र में। कोशिश जरूर कर रही है भिलाई 11 की टीम लेकिन जो बात बननी चाहिए वो बात बन नहीं पा रही है, परिस्थितियों से जूझ रही है इस वक्त भिलाई 11 की टीम, जबकि वक्त को अपने गिरफ्त में करके रखे हुआ है सोनीपत की बालिकाएं। डी के ऊपर खेल चलता हुआ इस वक्त, बाएं फ्लैंक से बॉल को निकाल लिया है, बहुत अच्छा पास, कोशिश तो जरूर कर रही है कि यहाँ पर भिलाई 11 की टीम लेकिन मौका वो बन नहीं पा रहा है जिसकी अपेक्षा की जा रही है। रविरा ने बॉल को फिर बढ़ा दिया है निधि के लिए, रविरा ने बॉल को बढ़ाया डिंपल के पास, बॉल डिंपल डी के अंदर प्रवेश करती हुई एक मौका मिलता हुआ लेकिन बेहतरीन टेकलमेंट वहां पर, अभी भी खतरा टला नहीं है। और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक यहां पर दीपा ने पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया, एक और पेनल्टी कॉर्नर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। जिस हौसले के साथ आज खेली है सोनीपत की बालिकाओं ने, लड़कियों ने, काबिले तारीफ। हौसला काफ़ी बुलंद है, आत्मविश्वास से लबरेज है। आइए देखिए चौपांचवां गोल होता हुआ, बेहतरीन गोल दागा इस वक्त निधि ने। पहला मुकाबला खेल रही है सोनीपत की टीम भिलाई 11 के विरुद्ध, जबकि सोनीपत की बालिकाओं ने मजबूत यहां बढ़त बना के रखा है, 5 गोलों की बढ़त। ये इशारा करता है इस तरफ 5 गोलों की बढ़त के कितने मजबूती के साथ, कितना आक्रामक हॉकी खेली है आज सोनीपत की बालिकाओं ने। मैं
फ्रेंड से इस बार। अच्छा पास, एक बार फिर आक्रमण पनपता हुआ, ये सुखप्रीत कौर के पास है। सुखप्रीत कौर बोले क्या बढ़ते हुए, एक मौका और तलाश रही है यहाँ पर, और पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर इंजेक्ट किया गया, रोका गया। अच्छा पास बढ़ाया है और ये मौका यहाँ पर, बॉल को सेंटर किया है, अभी भी खतरा टाला नहीं है, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी बिला इलेवन की, अच्छा बचाओ है। फिर आपको हॉकी की दुनिया में ले चलता हूँ, यहाँ पर न्यू दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में, जहाँ पर SNBP दूसरा नेहरू वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 का हो रहा है, और आप इसका प्रसारण देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13 यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो स्पोर्ट्स इंडिया 13 यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है, और चलिए मैं आपको फिर एक बार खेल की दुनिया में ले चलता हूँ। यहाँ पर चौथा क्वार्टर खेल शुरू हो गया है, इस वक्त अपने ही क्षेत्र में खेलती हुई सोनीपत की टीम पीले रंग की जर्सी में, मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने अभी अभी स्पोर्ट्स इंडिया 13 यूट्यूब चैनल पर खेल देखना शुरू किया होगा, मैं बता दूँ पीली रंग की जर्सी में सोनीपत की टीम है, जबकि नीली रंग ब्लू रंग की जर्सी में है, यहाँ पर नीली रंग की जर्सी में है भिलाई इलेवन की टीम। लेकिन स्थिति इस वक्त है सोनीपत की टीम शून्य के मुकाबले 5 गोलों से आगे चल रही है, और यह पेनल्टी कॉर्नर का इशारा इस वक्त बहुत देर के बाद यहाँ पर भिलाई इलेवन ने पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया है। तो कहा जाए देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कि इस पेनाल्टी कॉर्नर से कितना फ़ायदा उठा पाती है भिलाई इलेवन की टीम। मयूरी राय जो कप्तान है भिलाई इलेवन के, वो इंजेक्ट करने के लिए पहुंची हुई है। एक मौका है यहां पर स्कोरिंग के ग्राफ को कुछ कम करने के लिए, एक मौका जरूर मिला है भिलाई इलेवन को, लेकिन मिलाई इलेवन ने बॉल को इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया और ये मौका हाथ से जाता रहा। अच्छा बचाओ गोलकीपर का, तो ये चौथा अंतिम क्वार्टर में जो सब मौका मिला था भिलाई इलेवन को, उस फायदा नहीं उठा पाई टीम। जय शुक्ला के पास बॉल, लंबा पास जय शुक्ला का, लॉन्ग हिटिंग यहां पर बॉल के लेकर आगे बढ़ती हुई, शिवानी साहू बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई। 1-2 का भी खतरा बनता है, शिवानी साहू के पास बॉल, उस स्कोरिंग के ग्राफ को कम करने का मौका मिला है, देखना है इसे कितना फायदा उठा पाती है ये टीम। फिलहाल सोनीपत की टीम बहुत आराम की स्थिति में है, शून्य के मुकाबले 5 गोलों की बढ़त बरकरार। नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में SNBP दूसरा नेहरू महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का, इंजेक्ट बॉल को किया गया, रोका गया, यह एक मौका भी शिवानी साहू के पास बॉल, और यहाँ पर खेल को जारी रखने का संकेत, और यह मौका हाथ से गया। इंजेक्ट करने की तैयारी, इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया और अच्छा बचाओ, स्टिक पे लिया बॉल को, लेकिन यहाँ एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक दहिया का, निधि का वहाँ इंजेक्ट किया और ये मौका हाथ से गया। अंतिम क्वार्टर का खेल चल रहा है, चौथा क्वार्टर का खेल, डिफेंडर के पास बॉल बिला इलेवन, एक खिलाड़ी को डील करती हुई, अच्छा पास, धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश, जो तालमेल देखा जाना चाहिए वो नहीं नजर आ रहा है बिला इलेवन के खिलाड़ियों के बीच, पीछे सरकाया राखी राठौर, राखी राठौर ने डिफेंडर के लिए, डीप डिफेंडर के लिए बॉल को बढ़ाया है, लेकिन गेंद को संभाल लिया है लाल रिनपुई ने, बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड है लाल रिनपुई, डी के ऊपर खेल चलता हुआ, अभी भी लाल रिनपुई के पास बॉल, समन्ते पास, बढ़िया पास बढ़ाया है, और यहाँ पर एक मौके की तलाश, और डी के अंदर जबरदस्त खेल चलता हुआ, लेकिन बच्चा बचाव किया वहाँ पर भिलाई इलेवन के खिलाड़ियों ने, लेकिन बाहर फ्री हिट मिलता हुआ, भिलाई इलेवन के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, गेंद गई बाहर, फ्री हिट मिलता हुआ भिलाई इलेवन को, मदरेका के पास अपने क्षेत्र में, समांतर पास मनीषा दावाल के पास, और गेंद अब चली आई है
सोनिका रावत के पास, सोनिका रावत के पास बॉल, अभी भी डी के ऊपर खेल चलता हुआ यहाँ पर, सोनीपत के डी के ऊपर एक मौका की तलाश, और ये भी हाथ से मौका आ गया। अंतिम क्षणों में तलाश रही, जरूर रही है गोल को, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला भिलाई इलेवन को। और यहाँ पर दीपा ने पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है एक बार फिर यहाँ सोनीपत को। बहुत तेज आक्रामक हॉकी खेली है सोनीपत की बालिकाओं ने, इसी का नतीजा है कि बार बार वो पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर रही है। लाल रिन पुई इस वक्त गई है इंजेक्ट करने के लिए, इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया और ये गोल होता हुआ। और इस बार गोल किया है रितिका मान ने, यहाँ छठा गोल होता हुआ। पेनल्टी कॉर्नर को खूबसूरत गोल में परिवर्तित किया, ब्यूटीफुल कन्वर्सन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर इनटू गोल, बहुत खूबसूरत गोल। और गोल किया रितिका मान ने अपनी टीम के लिए छठा गोल। तमन्ना के लिए बॉल, तमन्ना ने बॉल को सरका दिया है कनिका सिवाच के लिए, कनिका सिवाच बहुत ही तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड हैं और यहां पर कनिका सिवाच को गलत तरीके से रोका गया। फ्री हिट यहां पर अवार्ड किया खेल के निर्णायक दीपा ने, फ्री हिट हैज बीन अवार्डेड इन फेवर ऑफ सोनीपत। जिस तरह से कनिका सिवाच को गलत तरीके से रोका गया, अच्छा पास यहाँ पर अंकिता दहिया के लिए, अंकिता दहिया ने वहाँ लाल रिपुई के लिए बॉल को बढ़ाया है, एक मौका वहाँ पर फिर मिला है सोनीपत को, खतरा टला नहीं है इस वक्त। दिनिका के पास बॉल और ये गेंद गई बाहर गोल लाइन का, एक खतरा और पनपा था यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त खतरा पनपा था भिलाई इलेवन के ऊपर। छः गोल की बढ़त इस वक्त बरकरार। SNBP दूसरा नेहरू महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023, इसके जनरल सेक्रेटरी को कुवालिया साहब हैं जिन्होंने, इनको श्रेय जाता है इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने का। डी के ऊपर खेल चलता हुआ यहाँ पर एक मौके की तलाश, अंकिता दहिया के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, बॉल को बढ़ा दिया गया यहाँ पर तमन्ना के लिए और वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिला, तमन्ना एक बार फिर हिट लेते हुए बॉल को, अच्छा पास, अब दाएं फ्लैंक से हमला पनपता हुआ और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। जिस तरह से गेंद फॉल हुआ वहाँ पे, पैर में टकराई और डी के अंदर अगर इस तरह से कोई गलती किया जाए तो सीधा पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करने के सिवाय कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है यहाँ पर अंपायर के ऊपर। छः गोल से पिछड़ रही इस वक्त यहाँ पर भिलाई इलेवन और एक और मुसीबत आने को तैयार। खुशी इस वक्त गई है इंजेक्ट करने के लिए सोनीपत की तरफ से, उसी ने इंजेक्ट किया, बॉल को बढ़ाया है वाविया के लिए और ये सीधा निकल गई बॉल, कोई खिलाड़ी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाई सोनीपत का। 16 गज का हिटिंग भिलाई इलेवन की तरफ से, स्थिति अभी भी शून्य के मुकाबले 6 गोल से आगे यहाँ पर सोनीपत। सोनीपत हरियाणा का ऐसा स्थान जिसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पर मैच समाप्ति की घोषणा, और ये बताते हुए कि पहला जो SNBP का आज पहले दिन का पहला मुकाबला हुआ, SNBP दूसरा नेहरू महिला हॉकी चैंपियंस टूर्नामेंट का पहले दिन का आज पहला जो मुकाबला चला यहाँ पर NCOE सोनीपत और भिलाई इलेवन के बीच इसमें जीत लिया। अब समय आ गया जवाहरलाल नेहरू हॉकी सोसाइटी की परंपरा का, हम प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देते हैं। मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं प्लेयर ऑफ द मैच शर्ट नंबर 17 निधि NCOE सोनीपत, शर्ट नंबर 17 निधि स्टेज पर आ जाए और अपना प्राइज ले जाए। शर्ट नंबर 17 निधि NCO सोनीपत।
नमस्कार। इस वक्त हम नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में हैं। यहाँ पर दूसरा नेहरू वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हुआ। आज पहला दिन का पहला मुकाबला हुआ सोनीपत और भिलाई इलेवन के बीच, जिसमें बाजी मारी सोनीपत की टीम ने, सोनी के मुकाबले 6 गोलों से पराजित किया। इस वक्त हमारे साथ हैं निधि, बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड। निधि, आपका स्वागत है यहाँ पर। आप बताएं, खेल शुरू होने के पहले क्या आप लोग की रणनीति थी? हमने सोचा था हम अच्छा खेलेंगे और मैच को जीत के निकलेंगे बाहर। सोनीपत, जिसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं वहाँ से और जो अभी भी इंडिया टीम में खेल रही है, तो आप निधि बताएं, आपने हॉकी कब से खेलना शुरू किया? 2015 से मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था सोनीपत से। सोनीपत के कहाँ से आती हैं आप? सोनीपत में नारी गांव से। अच्छा, तो किस आप हॉकी में किसे आदर्श मानती हैं? हॉकी में मैंने नेहा गोयल दीदी को आदर्श मानती हूँ, वो हमारे ग्राउंड के ओलंपियन प्लेयर है। आज पेनल्टी कॉर्नर से भी आपने गोल को तब्दील किया था। हाँ जी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जब दूसरा राउंड का खेल होगा तो निधि आपका फिर हॉकी का स्टिक का जादू जो बोलेगा, सिर चढ़ के बोलेगा। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार। नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम से मैं शमीम आलम आपका स्वागत करता हूँ। और ये बताते हुए कि स्पोर्ट्स इंडिया 13 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर SNBP नेहरू महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का पहला दिन और पहले दिन का आज दूसरा मुकाबला होने के लिए जा रहा है, शाही भोपाल और शाही न्यू दिल्ली के बीच। दो टीमें इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच चुकी हैं और इस खेल को संचालित करने जा रही हैं प्रीति कुमारी और अर्चना तिवारी। मैं बता दूं, अर्चना तिवारी ये बंगाल से आते हैं, बहुत वरिष्ठ और अच्छा अंपायर हैं, अच्छा डिसीजन देती हैं, सटीक डिसीजन देती हैं। दोनों टीमें इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच चुकी हैं। सफ़ेद और लाल रंग की आर्म पट्टी, ये है दिल्ली की टीम, जबकि काली रंग की जर्सी में ये टीम है भोपाल। ठीक हमसे दाईं तरफ है भोपाल की टीम काली रंग की जर्सी में, जबकि बाईं तरफ न्यू दिल्ली की टीम है। दोनों टीमें इस वक्त खिलाड़ी अपने अपने नियत स्थान पर मौजूद पोजीशन लेती हुई, और खेल की शुरुआत करेगी भोपाल की टीम। उस बैक के साथ शुरुआत हो जाएगी खेल का, पहला दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त, और यहाँ पर इस उस बैक के साथ खेल की शुरुआत अपनी क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त भोपाल की टीम। जबरदस्त मुकाबला चलेगा। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था सोनीपत और भिलाई इलेवन के बीच, उसमें एक कहा जाए तो एक तरफा मुकाबला हो गया था। सोनीपत की टीम ने भिलाई इलेवन को 0-6 गोलों से पराजित कर दिया था, और अब देखते हैं आज ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहां पर दो टीमें, पहला क्वार्टर शुरू हो गया है। आकांक्षा के पास बॉल इस वक्त भोपाल, अपने पीछे सरका लिया, सुमिता के लिए बॉल को सरका दिया, सुमिता ने अपने बैक सरकाया मीनू रानी के लिए, मीनू रानी ने और दाएं फ्लैंक में अपने पास बॉल को बढ़ाया धीरे धीरे, लेकिन चेंज रही है दिल्ली के खिलाड़ी के पास बाएं फ्लैंक में, लेकिन वहां पर डिफेंडर तैयार, भोपाल के डिफेंडर तैयार हैं मीठू रानी, उन्होंने बॉल को अपने क्षेत्र से निकाला लेकिन गलत पास दे बैठी दिल्ली के खिलाड़ी के पास बॉल। बस ये एक और खेल पड़ती है, दिल्ली की खिलाड़ी बॉल घुसना चाहती है डी के अंदर, यहाँ पर भोपाल के डी के अंदर, लेकिन पूर्वानुमान के साथ बॉल को क्लियर कर दिया और फ्री हिट मिलता हुआ इस वक्त भोपाल को अपने क्षेत्र में। काली रंग की जर्सी में खेल रही है भोपाल की टीम, जबकि सफ़ेद और लाल रंग की जर्सी में खेल रही है दिल्ली की टीम। और यहाँ पर अर्चना तिवारी जो खेल की निर्णायक है, उनका सिटी फिट मिलता हुआ, और पहला क्वार्टर का पहला पेनाल्टी कॉर्नर जीत करती हुई नई दिल्ली की टीम इस वक्त। एक मौका है इस वक्त
दिल्ली के लिए। परवलीन कौर इस वक्त गई हैं इंजेक्ट करने के लिए दिल्ली की तरफ से। शाइनी दिल्ली, परवलीन कौर इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया। ओ ये निशाना, गलत निशाना साधा इन्होंने, दूर निकल गई। ये लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा खेल के निर्णायक अर्चना तिवारी का। मैं बता दूं अर्चना तिवारी ये वेस्ट बंगाल से आती हैं और यहाँ पर फिर पेनल्टी कॉर्नर दे दिया है खेल के निर्णायक अर्चना तिवारी ने। एक बार फिर परवलीन कौर एडवांस हो रही है इस वक्त इंजेक्ट करने के लिए, मौके को तलाश रही है साई निदेवली की टीम। परवलीन कौर इंजेक्ट करने की तैयारी में, परवलीन कौर इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया। एक मौका अभी भी है यहाँ पर और गोलकीपर का बेहतरीन बचाव यहाँ पर सोनाली ओराम का। तो इस तरह से ये मौका हाथ से जाता रहा दिल्ली के हाथ से। पर पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ और स्थिति यहाँ पर है साई नील दिल्ली नील और साई भोपाल नील। किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली अभी तक, कोशिश जरूर की गई दोनों टीमों की तरफ से लेकिन किसी भी खिलाड़ी को ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि बॉल को नेट कर पाएँ। तो अब दूसरा क्वार्टर का खेल जब शुरू होगा मैं समी मालूम आपके समक्ष फिर आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। लेकिन स्थिति अभी भी शून्य शून्य के, दिल्ली के खिलाड़ी के पास बॉल, इस बॉल को अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल को संभाल लिया इस वक्त शाही भोपाल के खिलाड़ी ने बाएं फ्लैंक से बॉल लेके, आकांक्षा इस वक्त बॉल लेकर आगे बढ़ रही है लेकिन रक्षा पंथ के खिलाड़ी दिल्ली के खिलाड़ी के पास बॉल बहुत ही जबरदस्त आक्रामक है। हॉकी दोनों टीम के खिलाड़ियों ने खेला है लेकिन इस वक्त जहाँ तक सवाल है गोल का सवाल है अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। मध्य रेखा के पास से बाएं फ्लैंक से इस वक्त फ्री हिट मिलता हुआ दिल्ली को। दिल्ली के खिलाड़ी इस वक्त किरणदीप कौर के पास बॉल, बैक सरका दिया डीप डिफेंडर के लिए। दिल्ली से बॉल की निकालने की कोशिश, गेंद चली है सिमरन सिंह के पास, सिमरन सिंह मध्य रेखा के पास सीधा समांतर पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। दिल्ली इस वक्त धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, दिल्ली का आक्रमण पनपता हुआ मध्य रेखा के पास बेहतरीन पास इस वक्त हमला पनपता हुआ डी के अंदर खेल चलता हुआ भोपाल के ऊपर। गजब का इस वक्त प्रदर्शन दिल्ली की टीम कर रही है बालिकाएं और फ्री हिट मिलता हुआ। तो स्थिति इस वक्त अभी भी भोपाल शून्य दिल्ली शून्य, किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है जहां तक स्कोरिंग का सवाल है। समांतर पास बहुत अच्छा पास, दिल्ली की टीम पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त मैच में वापसी के लिए। सीधा पास एक हमला पनपता हुआ डी के ऊपर जबरदस्त, एक मौका है यहाँ पर दिल्ली के लिए लेकिन गेंद गई बाहर और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया है इस वक्त दिल्ली की टीम ने। एक मौका मिलता हुआ इस वक्त परवलीन कौर इस वक्त गई इंजेक्ट करने के लिए दिल्ली की तरफ से। एक मौके को तलाश रही दिल्ली, इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया। अभी भी मौका यहां पर लेकिन गेंद
गई पहुंच से बाहर। सिद्ध करने की कोशिश डी के अंदर खेल चलता हुआ, रिवर्स फ्लिक करने की कोशिश कर रही है इस वक्त दिल्ली की टीम। एक मौका और यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर का है। यहाँ पर और ये यहाँ पर गोल हुआ, पहला गोल इस वक्त, सफलता मिली यहाँ पर दिल्ली को। और दिल्ली एक भोपाल शून्य। तो और इस तरह से दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ यहाँ पर शिवाजी स्टेडियम में दिल्ली का एसएनबीपी दूसरा वुमेन हॉकी टूर्नामेंट। आज पहला दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर साई दिल्ली और साई भोपाल के बीच। आज इस समय तक खेल खत्म हुआ, दोनों टीमों शून्य शून्य की स्थिति में बाहर हो रही है, मैदान से बाहर अपने अपने शिविर में वापस लौटे हुए। और ये बताते हुए कि अब तीसरा क्वार्टर का जब खेल शुरू होगा मैं आपके शिविर स्थिर आऊँगा। तब तक के लिए आज नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स इंडिया 13 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं यहां पर शिवाजी स्टेडियम से। यहां एसएनबीपी दूसरा नेहरू वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 का पहला दिन का आज दूसरा खेल का तीसरा क्वार्टर का समय समाप्त हुआ और दिल्ली की टीम इस वक्त बाजी मारी है भोपाल से शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है। और अंतिम क्वार्टर का खेल शुरू होगा तब मैं आपके समक्ष फिर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।
बैटरी है नहीं आपका ना? हाँ पूरी बैटरी है। हाँ है, कितना देर चलेगी इसमें बैटरी है? नमस्कार, स्पोर्ट्स इंडिया 13 पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और यहाँ पर गोल, यहाँ पर भोपाल ने गोल किया है, बहुत ही खूबसूरत गोल डाला है भोपाल ने। क्या सटीक निशाना साधा और भोपाल ने अपना खाता खोला इस वक्त। सही, भोपाल की लड़कियों ने अंततः सफलता मिली, चौथा क्वार्टर में जाके सफलता मिली। बहुत ही खूबसूरत गोल भोपाल के खिलाड़ी के द्वारा। और अब स्थिति यहाँ पर शाही न्यू दिल्ली 1 और शाही भोपाल 1, भोपाल 2 और दिल्ली 1। तो इस तरह से भोपाल की टीम ने यहाँ पर अग्रता हासिल कर लिया है दिल्ली के विरुद्ध। अब इस बचे हुए समय में दिल्ली को कुछ कर गुजरना पड़ेगा, पूरी शक्ति को झोंकनी पड़ेगी मैच में बराबरी के लिए। जहाँ पर दिल्ली की टीम अग्रता हासिल की थी, वहाँ पर न सिर्फ भोपाल की टीम ने बराबरी पर आई बल्कि एक गोल की अग्रता भी हासिल कर ली है। अच्छा पास इस वक्त बैंक फ्ले में, दिलाई गेंद दिल्ली की जुविता के पास, बॉल को बढ़ा दिया है यहाँ पर ममता भट्ट के लिए। इस वक्त डी के अंदर खेल चलता हुआ, यहाँ पर भोपाल के डी के अंदर मौके को तलाश रही है दिल्ली की टीम, लेकिन बहुत बेहतरीन इंटरसेप्ट, बॉल को बाहर किया खतरे के क्षेत्र से। गेंद एक बार फिर दिल्ली के खिलाड़ी कब्जे करते हुए, बॉल को बढ़ा दिया है टीश सुमन देवी के लिए। बहुत तेज आक्रमण इस वक्त करने के लिए चाह रही है न्यू दिल्ली की टीम, लेकिन इस वक्त का समय जो है काफ़ी बलवान होता है। एक क्षण इस वक्त दिल्ली न्यू दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ना भोपाल ने सिर्फ बराबरी पर आई है बल्कि एक गोल की अग्रता भी हासिल कर ली है इस वक्त भोपाल की टीम। बचा हुआ है समय का एक एक लम्हा इस वक्त दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर सुमिता का, भोपाल के खिलाड़ी बाएं तरफ से बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई। अच्छा लपतुला पास बढ़ाने की कोशिश दीपावली के लिए, दीपावली से गेंद छिनी इस बार दिल्ली के खिलाड़ी बॉल को कब्जा करने की कोशिश, लेकिन गेंद से छिन गई। भोपाल के खिलाड़ी को सफलता मिली है, बाएं तरफ से हमला पनपता हुआ भोपाल का। इंक्रीमेंट फ्री हिट भोपाल का मिलता हुआ यहाँ पर खेल के निर्णायक इस वक्त कुछ समझाते हुए प्रीति कुमारी, इशारा किया इस वक्त फ्री हिट के लिए भोपाल को। लीना इस वक्त तैयार हो रही फ्री हिट लेने के लिए। अच्छा पास बढ़ा दिया है डी के ऊपर, खेल चलता हुआ दिल्ली के डी के ऊपर खेल चलता हुआ, और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक प्रीति कुमार ने यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है भोपाल को। तो इस तरह से भोपाल ने अपने आक्रमण को तेज कर दिया है, काफ़ी भोपाल की लड़कियाँ चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। जबकि पहली सफलता दिल्ली को मिला था, लेकिन उसके बाद न भोपाल की टीम सिर्फ बराबरी पर आई बल्कि एक गोल की अग्रता भी हासिल कर लिया है। और यहाँ पर एक खतरे का बादल मंडराता हुआ नई दिल्ली के ऊपर, इंजेक्ट करने की तैयारी गई, इंजेक्ट करने के लिए गई है इस वक्त भोपाल की तरफ से तानिया। दिल्ली को बहुत समझ के खेलना पड़ेगा, एक पेनाल्टी कॉर्नर से के बाद जो प्रहार आने वाला है इसको रोकना पड़ेगा दिल्ली को। अच्छा पास, मौके की तलाश रही है एक मौका यहाँ पर, और ये मौका हाथ से जाता रहा शाही भोपाल के हाथ से। तो एसएनबीपी दूसरा नेहरू महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का पहले दिन का आज दूसरा मुकाबला का आज अंतिम क्वार्टर चल रहा है। इस वक्त भोपाल की टीम, शाही भोपाल की टीम एक के मुकाबले दो गोल से आगे चल रही है, अग्रता हासिल कर लिया है। जहां पहले दिल्ली की टीम ने गोल की थी वहां पर न सिर्फ भोपाल की टीम बराबरी पर आई बल्कि अपने दमखम का बेहतरीन मुजाहरा किया और एक गोल की अग्रता भी हासिल कर लिया है। ये चौथे क्वार्टर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त दिल्ली के लिए। भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल, माला सामने के लिए, मध्यरेखा के पास एक फ्री मिलता हुआ भोपाल को, समांतर पास रुचिका के लिए, रुचिका में साथी खिलाड़ी तानिया के लिए बॉल को बढ़ाया था, फ्री हिट मिलता हुआ मीनू रानी का फ्री हिट। दोबारा यहां पर फ्री हिट लेने का इशारा खेल की निर्णायक अर्चना तिवारी का। अर्चना तिवारी मैं बता दूं ये वेस्ट बंगाल से आती है, काफ़ी अनुभवी अंपायर हैं। लंबा पास इस वक्त बहुत तेज चपल नजर आ रही है भोपाल की रैली का। अच्छा इंटरसेप्ट रैली का, आक्रमण काउंटर अटैक, लेकिन बहुत ही वहां पे चपल नजर आ रही है भोपाल के खिलाड़ी। अच्छा पास, गेंद चली जाइए रुचिका के पास, भोपाल रुचिका, अभी भी रुचिका के पास बॉल, पीछे सरकार समांतर पास लीना के लिए, और गेंद इस वक्त बाहर जाती हुई, फ्री हिट मिलेगा भोपाल को। एक के मुकाबले दो गोल की बढ़त इस वक्त भोपाल के लिए। दिल्ली का अटैक काउंटर अटैक, कभी आक्रमण करती है भोपाल की टीम तो कभी काउंटर अटैक करती है दिल्ली की टीम। इस वक्त आकांक्षा के पास बॉल, भोपाल आकांक्षा बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, साथी खिलाड़ी की तलाश, लेकिन गलत पास, गेंद चले गई दिल्ली दिल्ली के खिलाड़ी के पास। ये दिल्ली के खिलाड़ी इस वक्त बॉल लेकर बढ़ती हुई, गोईता वारा, गेंद उनसे छिन गई, बॉल को इस वक्त बाएं फ्लैंक में बढ़ा दिया गया है। चपास पल्लवी के लिए, भोपाल के पल्लवी, लेकिन बॉल को सफलता प्राप्त किया यहाँ पर दिल्ली के खिलाड़ी ने, विनम्रता यादव ने। हेलो, हाँ क्या बोल रहे, महत्वपूर्ण समय इस वक्त का एक एक लम्हा बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली को बराबरी पर आने के लिए एक गोल की शिद्दत से जरूरत है दिल्ली को। जबकि दाएं फ्लैंक में एक बार काउंटर अटैक दिल्ली की तरफ से, दाएं फ्लैंक से बॉल लेके आगे बढ़ती हुई इस वक्त लाल रुआ,
खेली, फिर हिट मिलता हुआ, बहुत तेज आक्रमण इस वक्त दिल्ली की टीम करती हुई, फिर हिट मिलता हुआ डी के ऊपर, अच्छा मौका यहाँ पर है देवी के लिए, और यहाँ बहुत तेज रिवर्स फ्लिक किया था लेकिन गेंद गई बाहर, और 16 गज का हेडिंग इस वक्त भोपाल को मिलता हुआ, समांतर पास सुमिता के लिए, सुमिता स्टिक पे लेने पाई, गेंद सफलता मिली है दिल्ली के खिलाड़ी को गोहिता बोरा को, इस बार डी के अंदर खेल चलता हुआ, भोपाल के डी के अंदर एक मौका मिलता हुआ, तलाश रही है दिल्ली की टीम, लेकिन फिर हिट मिलता हुआ भोपाल को, अभी भी भोपाल 2 और न्यू दिल्ली 1, जबरदस्त इस वक्त मैच में वापसी के लिए कोशिश कर रही है न्यू दिल्ली की टीम, क्षेत्र में खेलते हुए बॉल को अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन बहुत ही चपल है, गेंद चली गई है टी शुभना देवी के पास, अच्छा पंक्ति के खिलाड़ी को बढ़ाया डायगोनल पास, इस बार दाएं फ्लैंक में बॉल को बढ़ा दिया दिल्ली के खिलाड़ी ने, मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए दाएं फ्लैंक से मुरीता के पास बॉल, और मुरीता ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन गेंद गई बाहर इस वक्त, और यहां पर फिर हिट का इशारा, अर्चना तिवारी जो खल के अंपायर है इशारा कर रही है, परवलीन कौर के पास बॉल, गेंद उनसे छिन गई, यहाँ पर फिर संकेत अर्चना तिवारी का दोबारा फिर हिट लेने का दिल्ली के द्वारा, परवलीन कौर, और यहाँ पर ग्रीन कार्ड एक खिलाड़ी को दिखाया गया, और यहां पर मैच समाप्ति की घोषणा, 14 क्वार्टर का समय समाप्त हुआ, और बाजी मारी यहां पर साहिब भोपाल की टीम ने दिल्ली को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया, भोपाल की टीम ने ये मैच जीत लिया 2-1 से, और अब समय आ गया है परंपरा निभाने का, मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं भोपाल टीम से शर्ट नंबर 17 दीपाली को, दीपाली स्टेज पर आ जाए, शर्ट नंबर 17 उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, और इस अवार्ड को देंगे मिस्टर कुकुवालिया जी, सेक्रेटरी जनरल जवाहरलाल नेहरू हॉकी सोसाइटी, 17 नंबर दीपाली स्टेज पर आ जाए भोपाल हॉकी अकेडमी, और इस तरह से यहां पर बाजी मारी भोपाल की टीम ने दिल्ली को 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित करके इस मुकाबले को जीत लिया है। मैं शमी वालम आपसे विदा चाहता हूं, नमस्कार, थैंक यू। थोड़ी देर के बाद हम लोग चलेंगे यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का जो प्राइज अवार्ड दिया जाएगा जनरल सेक्रेटरी नेहरू हॉकी सोसाइटी माननीय श्री कुकुवालिया के हाथों के द्वारा, अब उसका इंतजार देखा जा सकता है, नेहरू हॉकी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी कुकुवालिया के हाथों के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच दीपावली को पुरस्कार से नवाजित। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में, जहां पर SNBP दूसरा नेहरू महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का मुकाबला चल रहा है, आज पहला दिन और दूसरा मुकाबला हुआ यहां पर साई भोपाल और साई न्यू दिल्ली के बीच, लेकिन यहां पर भोपाल ने आज गजब का प्रदर्शन किया और ना दिल्ली को ढुकने टेकने पर मजबूर किया, 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित किया, और प्लेयर ऑफ द आज के मैच हमारे साथ हैं इस वक्त दीपाली। दीपाली सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो प्लेयर ऑफ द मैच चुनने के लिए, ये अवसर हर खिलाड़ी के लिए एक सपना रहता है कि उसे प्लेयर ऑफ द मैच के प्राइज से नवाजा जाए, तो दीपाली सबसे पहले बताएं खेल होने शुरू होने के पहले आप लोग की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या दिल के अंदर चल रहा था कि किस तरह से दिल्ली को पराजित करना है? हमारे अंदर ये था सर कि हमें अच्छा खेलना है, हार जीत अलग बात है लेकिन हमें अच्छा ही खेलना है हमारी टीम के लिए, कि वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन खेल के हारे उसमें थोड़ा वो होता है कि हम खुशी मिलती है कि खेल के हारे हैं, हमारा ये था कि हमें अच्छा खेलना है और हमारी टीम को हमें यूनिटी से खेलना है, कि हमने पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक एंड तक जोर लगाया इसलिए हम जीत गए, वरना हम पहले 1-0 से पीछे चल रहे थे। दीपाली, हॉकी आपने कब से खेलना शुरू किया? मुझे 6 साल हो गए सर। अच्छा, भोपाल से आप कहाँ से खेलते?
मैं पहले नरवाना थी सर, नरवाना से हूँ मैं सर, हरियाणा नरवाना से। पहले मैं पटियाला साई में थी, उसके बाद मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले भोपाल साई में ट्रांसफर लिया है क्योंकि पटियाला साई बंद हो चुकी है। तो हरियाणा से आपने शिफ्ट किया भोपाल, लेकिन आप रहने वाले कहाँ के? नरवाना से हूँ सर। हरियाणा कहाँ का? नरवाना जींद। नरवाना जींद। हरियाणा में तो हॉकी का गढ़ कहा जाता है, सोनीपत सब जगह जो है बहुत मशहूर जगह है जहाँ पर हॉकी नर्सरी कहा जाता है। तो यह हरियाणा से शिफ्ट किए आप भोपाल, तो क्या सोच था भोपाल जाने का? भोपाल सर अच्छा सेंटर है, तो इसलिए हमने भोपाल में की सुना है कि वहाँ अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छे कोचिज है, अच्छे फैसिलिटीज वगैरह है, तो हमने इसलिए भोपाल ही चुना था। अच्छा, तो चलिए अंजाम उसके हाथों में है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख। उम्मीद है कि आपका जो परवाज है, ये हॉकी का जो जादू है, फिर बोलेगा अगला खेल में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। थैंक यू सर।